हेलो बच्चों, आज हम इस वीडियो में सुनेंगे जादुई दिए की कहानी। बहुत समय पहले की बात है, एक मोहन नाम का आदमी अपनी पत्नी और बच्चों के साथ एक गांव में रहा करता था। मोहन बहुत गरीब था। वह जंगल में जाकर लकड़ियां लेके आता और दूर गांव में जाकर उन्हें बेचता था। मोहन काफी अच्छा इंसान था। वह हमेशा सूखे पेड़ की लकड़ियां ही तोड़ता था और कभी भी हरे भरे पेड़ों की लकड़ियों को कभी नहीं काटता था। जब एक दिन मोहन सूखे पेड़ की लकड़ियां काट रहा था, तभी एक बाबा उसके पास से गुजर रहे थे। बाबा काफी थके हुए दिखाई दे रहे थे। तभी मोहन ने बाबा से पूछा, बाबा क्या हुआ, आपको कोई परेशानी है क्या? बाबा बोले, नहीं बेटा, बस थोड़ा थक गया हूँ। क्या तुम्हारे पास थोड़ा पानी होगा? तो मोहन उन बाबा को पानी देता है। बाबा ने पानी पिया और मोहन को धन्यवाद बोला। बाबा ने मोहन को देखा तो वह उनको काफी दुखी दिखाई दे रहा था। बाबा ने मोहन से पूछा, बेटा तुम इतने दुखी क्यों हो? तो मोहन ने जवाब दिया, बाबा मैं बहुत गरीब हूँ। मैं तो इतना भी नहीं कमा पाता कि अपने परिवार का पेट भर सकूं। बाबा को मोहन के बारे में जानकर काफी दुख हुआ। और तभी बाबा ने चमत्कार किया, जिससे उसी समय एक दिया प्रकट हुआ। बाबा ने वह दिया मोहन को देते हुए कहा, बेटा तुम ये दिया रख लो, यह एक जादुई दिया है और जब भी तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़े तो तुम इस दिए से मांग लेना। मोहन ने बाबा को शुक्रिया कहा और वह जादुई दिया लेके घर चला गया। घर जाके मोहन ने वह जादुई दिया अपनी पत्नी को दिया और उसे बाबा के बारे में सब कुछ बताया। पत्नी वह जादुई दिया देख के बहुत खुश हुई और उसने मोहन से कहा, इससे मेरे लिए खाना मंगाओ ना। मोहन ने जब उस दिए से खाना मंगाया तो उसी समय बहुत सारा खाना उनके सामने आ गया। अगले ही दिन जब मोहन जंगल गया तो उसकी पत्नी ने उस जादुई दिए से बहुत बड़ा घर और उसमें रखने की जरूरत के सामान मांगे। कुछ ही देर में उसको एक बहुत बड़ा घर मिल गया और उसमें सभी जरूरत के सामान भी मिल गए। और फिर जब शाम को मोहन जंगल से घर वापस आया तो वह अपना घर ही नहीं पहचान पाया। उसी समय उसकी पत्नी घर के बाहर आई और मोहन से बोली, यही है अपना घर, यह घर जादुई दिए की वजह से मिला है। और फिर तब से मोहन और उसके परिवार वाले जब भी किसी चीज की जरूरत होती तो उस दिए से मांग लेते और वो लोग उस जादुई दिए की वजह से बहुत अच्छी जिंदगी जीने लगे। कुछ दिन बाद एक बाबा मोहन के दरवाजे पर आते हैं और बोलते हैं, बेटा बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? तभी घर के अंदर से मोहन चिल्लाता है, खाना नहीं है। तो बाबा बोलते हैं, बेटा पानी ही दे दो। तो मोहन बाबा को पानी की भी मना कर देता है और चिल्ला के उन्हें वहां से भगा देता है। बाबा चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद मोहन की पत्नी दिए के सामने जाती है और उससे खाना मांगती है। अब वह दिया खाना नहीं दे रहा था और उसका जादू खत्म हो गया था। यह देखकर मोहन समझ जाता है कि खाना मांगने आए हुए बाबा वो ही बाबा थे जिन्होंने जंगल में उसे दिया दिया था। अब मोहन बाबा के पीछे दौड़कर जाता है और बाबा से क्षमा मांगता है। तो बाबा बोलते हैं, बेटा जब तक तुम एक अच्छे आदमी थे तब तक वह जादुई दिया तुम्हें सब चीजें दे रहा था, मगर अब तुम बदल गए हो और एक अच्छे इंसान नहीं रहे, इसलिए वह दिया अब तुम्हें खुश नहीं देगा। और यह कहकर बाबा वहां से चले गए। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि चाहे हम गरीब हों या अमीर, हमें हमेशा एक अच्छा इंसान बनकर ही रहना चाहिए और कभी घमंड नहीं करना चाहिए।